टीवी सेडर, मैं आपको इवन मीटर कंसोल ऑन करके भी दिखाता हूँ। देख लीजिए अपनी ऑल न्यू टीवी सेडर जो कि हमारे पास 2022 की ऑल न्यू BS6 मॉडल अवेलेबल है। इसमें आपको एक चीज़ बड़ी प्लस पॉइंट बता दूँ, कंपनी ने आपको USB चार्जिंग का जो स्लॉट था, ये देखिए ये जो आपको USB चार्जिंग स्लॉट था, इसमें कंपनी ने आपको चार्जर प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिए, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो आज आपको हम इस गाड़ी का एक LED हेडलैम्प टेस्ट देने जा रहे हैं, कैसा कुछ इसके LED हेडलैम्प का रिस्पांस है, कैसी कुछ आपको विजिबिलिटी देखने मिल जाती है। उससे पहले इसके LED DRS आप लोग दे सकते हैं, जो कि नो डाउट नाइट रीजनों को बहुत ही बेहतर रिस्पांस प्रोवाइड करने वाली, ये दे सकते हैं। एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ऐसा कुछ आपको यहाँ पर LED DRS देखने मिल जाता है, जो कि बहुत ही बेहतर शेप का है और उसके साथ बहुत ही शानदार रिस्पांस निकालता है। उसके साथ ही मैं बता दूँ, ये आपका लो बीम पे काम करता है और ये जो नीचे वाला यूनिट है आपका हाई बीम पे काम करेगा। उसके बाद आपको साइड इंडिकेटर भी एक बार मैं दिखा देता हूँ कैसा कुछ है, ये देखिए साइड इंडिकेटर ऐसा कुछ आपको देखने को मिल जाता है, तो ऐसा कुछ आप साइड इंडिकेटर भी दे सकते हैं। उसके बाद चलिए गाड़ी के आपको हम बैक साइड पे ले चलते हैं और दिखाते हैं बैक से कैसा कुछ गाड़ी का रिस्पांस है मेन इसके टेल लैंप सेटअप का। तो ये देखिए टेल लैंप सेटअप अगर आपका नॉर्मल ऐसे ऑन रहेगा, गाड़ी आपकी अगर हमने ऑन की हुई है तो जैसे LED डाल दे रहा वैसे। उसके बाद ब्रेक अप्लाई करेंगे तो ब्रेक अप्लाई में थोड़ा सा होता है, देखिए ब्रेक अप्लाई पे तेज हो जाता है, ये देखिए फिर से ब्रेक अप्लाई करके दिखाइए, देखिए ऐसा कुछ होता है। बाकी ऐसा कुछ आपको एक नंबर प्लेट के ऊपर भी कंपनी हाइड्रोजन लाइट प्रोवाइड करती है, तो ऐसा कुछ इनकी नाइट विजिबिलिटी रहती है। अब चलिए आपको मैं एक बार इसका लो बीम हाई बीम चेक करा देता हूँ। ये देखिए हमारे पास थोड़ा एकदम अंधेरा वाला ऑलमोस्ट प्लेस अवेलेबल है, अच्छी खासी यहाँ पे थोड़ी सी देख सकते हैं, इधर भी पूरा अंधेरा अंधेरा है, रोड पे उधर रोशनी लेकिन इधर अंधेरा है। तो एक बार हमको इसका हेडलैम्प सेटअप दिखा देता हूँ। इसके लिए हमें इंजन को स्टार्ट करना पड़ेगा, इसमें अगर आप इंजन स्टार्ट नहीं करेंगे तो आपका हेडलाइट जो है वो डायरेक्ट ऑन नहीं होगा। पास पास भी अगर ट्राई कर लेंगे तो पास पास से आपका नहीं होगा, देखिए मैं पास पास ट्राई कर रहा हूँ, पास पास से भी नहीं होता है। तो चलिए हम कर लेते गाड़ी का इंजन स्टार्ट और आपको दिखा देते कैसा कुछ रिस्पॉन्स है। अगर आप सोच रहे हैं हाईवे राइडिंग के लिए तो क्या ये आपके लिए गाड़ी सक्सेसफुल रहने वाली 2022 में या नहीं, पूरी इन्फॉर्मेशन वीडियो में शेयर कर देंगे। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि रोजाना आप सभी के लिए हम लेटेस्ट कंटेंट कवर करते हैं और आप सभी को हम बाइक को स्कूटी से अप टू डेट रखते हैं। देख सकते क्या शानदार इसका LED DR लग रहा है। अब ऐसे में चलिए आपको इसका दिखा देता हूँ हेडलैम्प सेटअप। तो ये देखिए अब मैं आपको न्यू प्लेस पे ले आया हूँ, ये देखिए पूरा अंधेरा सामने है, अब आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, आपने अंधेरी इसके पूरा देख लिया। अब ये इस गाड़ी का हेडलैम्प है, ये देखिए मैंने इसका पहले तो आपको दिखा दूँ, ये देखिए ऐसा कुछ आपको सेटअप देखने को मिल जाता है। ये दोनों आपकी जो यूनिट है लो बीम में काम करेगी, हाई बीम भी अगर आपको दिखाते हैं हाई बीम कैसा कुछ काम करने वाला है। तो ये देखिए ये इसका हाई बीम यूनिट है, एक बार पास भी दिखाते हैं पास पास कैसे काम करेगा इस गाड़ी का। तो ये अब पास पास ये देखिए पास पास कुछ ऐसा काम करेगा, तो ये आपको पास पास देखने को मिल जाता है। अब सामने लो बीम की विजिबिलिटी देख सकते हैं, ये देखिए गाड़ी का हमारा इंजन स्टार्ट है और ये देखिए लो बीम के सामने विजिबिलिटी देख सकते हैं, ऐसी कुछ आपको विजिबिलिटी मिलेगी पूरा अंधेरा सामने। एक बार मैं गाड़ी ऑफ कर देता हूँ, ये देख सकते सामने पूरा अंधेरा था, अब एक बार गाड़ी स्टार्ट करते हैं, ये देखिए गाड़ी हमने स्टार्ट किया और ये देखिए सामने विजिबिलिटी दिखे, मतलब अच्छी खासी आपको विजिबिलिटी गाड़ी रोड पे प्रोवाइड करने वाली है। वहीं पे इसका हाई बीम की बात करेंगे तो ये देखिए हाई बीम के सामने विजिबिलिटी दिखे, ये देखिए हाई बीम यहाँ पे आपको विजिबिलिटी प्रोवाइड करा है। और वहीं पे आपको दिखा देते अगर आपकी गाड़ी सामने से आएगी तो कैसी दिखेगी, तो ये देखिए ये लो बीम पे अभी गाड़ी खड़ी है हमारी अभी सामने से, तो लो बीम में कुछ ऐसी लग रही है। अब इसके बाद मैं पीछे चलते जा रहा हूँ और ये देखिए विजिबिलिटी देखिए इसका कितनी अच्छी विजिबिलिटी मिली, और मेरी भी इस पर जो अपनी बॉडी का है वो भी अपना दिख रहा है इस पर। तो अब एक बार आपको ले चलता हूँ थोड़ा सा दूर, बाकी ये पूरा अंधेरा एरिया यहाँ पे देख सकते हो, उधर साइड में लाइट वाइट है, इधर लाइट नहीं है क्योंकि वहाँ पे थोड़ी बहुत लाइट ही, इसलिए मैं सोचा अब वो एक बार पूरे अंधेरे में ले चलते हैं। उसके बाद चलिए फिर इसका एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए सामने आपकी गाड़ी कैसे लगने वाली है, ये देखिए गाड़ी आएगी इतनी अच्छी खासी विजिबिलिटी प्रोवाइड करिए। हाई बीम दिखाओ इसका, ये देखिए हाई बीम देखिए पूरा एकदम चौंधी आ दिया इसका हाई बीम, देखिए पास पास ऐसा कुछ काम करने वाला है। और सामने देखिए देखिए सामने की अच्छी विजिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, अभी देखिए अच्छी खासी विजिबिलिटी आपको देखने को मिल जाती है। देखिए टीवी सेटअप का जैसा कुछ इसमें आपको हेडलाइट सेटअप कंपनी प्रोवाइड करती है, जो कि नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट विजिबिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। अगर बात करेंगे विजिबिलिटी वाइज तो बहुत ही शानदार इसमें विजिबिलिटी देखने को मिल जाती है, देख सकते हैं पूरा एकदम खतरनाक वाली विजिबिलिटी है इस गाड़ी में। तो ऐसे कुछ आपको यहाँ पे हाई बीम की विजिबिलिटी देखने को मिल जाती है, तो आपको नाइट विजन कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, देख सकते अच्छी खासी रोड पर इसने विजिबिलिटी प्रोवाइड की हुई है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो बिल्कुल 2022 में इस गाड़ी को जरूर आप लोग कंसिडर कर सकते हैं, एक आपके लिए बहुत ही शानदार पैकेज बाइक देखने को मिल जा रही है 2022 में, जिसमें कि आपको ठीक ठाक विजिबिलिटी गाड़ी अच्छी विजिबिलिटी निकाल रही है इसका। देखिए देखिए हाई बीम देख सकते हैं कितना बेहतरीन है। तो ऐसा कुछ आपको LED हेडलैम्प सेटअप देखने को मिल जाता है आप सभी के ऑल न्यू TVS सेटअप का। तो अगर आप 2022 में प्लान कर रहे हैं तो बिल्कुल आप लोग इस गाड़ी को जरूर चेकआउट कर सकते हैं। इस गाड़ी को मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ऐसी कुछ आपको विजिबिलिटी देखने को मिल जाती है इस गाड़ी में, तो अच्छी खासी विजिबिलिटी है, नो डाउट कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। एक आपको शानदार, ये देखिए मैं आपको एक बार ऑन कर दिखाता हूँ, देख सकते शानदार लग रहा है। तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे हेडलैम्प सेटअप इस गाड़ी के देखने को मिल जाता है और LED DRS। तो अगर आप प्लान करें 2022 में एक परफेक्ट गाड़ी ढूंढ रहे हैं, आपको नाइट विजन में अच्छा रिस्पॉन्स मिले, LED का देखिए इसको जो DRL इसकी अच्छी खासी विजिबिलिटी यहाँ मिल जा रही है, तो जरूर 2022 में आपके लिए परफेक्ट चॉइस बिल्कुल बन के आ रही है। और कैसा कुछ मीटर आपको नाइट विजन में दिखने वाला है ये आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए मीटर इस गाड़ी का रहा और ऐसा कुछ आपको नाइट विजन में इसका मीटर देखने को मिलेगा, ये देखिए मीटर आप टोटली देख सकते हैं ठीक ठाक मीटर इसमें आपको देखने को मिल जाता है। तो ऐसा कुछ आपको ये मीटर देखने को मिल जाता है, अपना ये मीटर देख सकते हैं, ये हमारे पास नई गाड़ी है 173 किलोमीटर चली हुई है,
तो ऐसा कुछ रिस्पॉन्स है। तो बिल्कुल अगर 2022 में प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए परफेक्ट चॉइस है, बिल्कुल आ रही है। और बिल्कुल आपने इसका LED हेडलैम्प टेस्ट देखा तो बिल्कुल आप कंसिडर कर सकते हैं इस गाड़ी को 2022 में। इस रेडर को हम नाइट में राइड कर रहे हैं और ऐसा कुछ देखिए रोड विजिबिलिटी है और ये अपनी ऑल न्यू TVS रेडर रही। तो कैसी कुछ आपको ये विजिबिलिटी लग रही है बिल्कुल बता सकते हैं, बाकी ठीक ठाक विजिबिलिटी प्रोवाइड कर रही है कंपनी। वही देखिए सामने देख सकते हैं अच्छी खासी विजिबिलिटी है, तो विजिबिलिटी वाइज नो डाउट एक अच्छी विजिबिलिटी आपको बिल्कुल इस गाड़ी में कंपनी प्रोवाइड कर रही है। और एक बार आपको इसका हाई बीम भी दिखा देता हूँ, हाई बीम कैसी है ये देखिए, गाड़ी को हाई बीम शिफ्ट कर दिया, ये देखिए हाई बीम सामने, ये लो बीम हाई बीम ऐसा कुछ इसका काम करता है। तो ठीक ठाक विजिबिलिटी है, कोई आपको दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है, एक बहुत ही परफेक्ट ऑप्शन है 2022 में अगर आप प्लान कर रहे हैं तो। बिल्कुल इसका LED हेडलैम्प सेटअप, मीटर कंसोल एक परफेक्ट चॉइस और परफेक्ट ऑप्शन बिल्कुल बन के आ रहे हैं।